नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अरुण प्लम्बिंग सर्विस। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कम से कम समय में किसी कारण हुई पाइप में लीकेज को कैसे बंद करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पाइप में हमारा लीकेज हो चुका है। चलिए इसको पानी को कैसे बंद करते हैं, बंद करने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, टंकी से पानी को बंद कर देते हैं, जिससे पानी आना बंद हो जाए, तब हमारा काम यहाँ से होगा पूरा स्टार्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चलते हैं पाइप के चारों तरफ से जो मसाला है और ईट है निकाल के थोड़ा जगह बना लेते हैं, जिससे हमें काम करने में थोड़ा आसानी मिले। ठीक है दोस्तों, तो चारों तरफ से इसका मसाला निकाल लेते हैं, जिससे हमारे काम करने में थोड़ा आसानी भी हो जाएगी और काम आराम से हो जाएगा। तो कभी भी आपके यहाँ काम करते समय अगर पाइप में लीकेज हो जाए या फिर पाइप फट जाए, तो कैसे मतलब पाइप को चेंज करते हैं या फिर कम से कम जगह में जिसे कम तोड़े बिना और पाइप को कैसे बंद करें, लीकेज कैसे बंद करें, तो ये वीडियो आसानी से इस वीडियो में आपको आसानी से बंद करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए हमारा थोड़ा साफ़ हो चुका है। अब यहाँ से इसको जब पूरा साफ़ हो जाएगा तो क्या करेंगे, बीच में से पाइप कट करके, कट करने के बाद जो फटा हुआ जो हमारा जो हिस्सा काट के निकाल देंगे और फिर वहाँ पर अपना सॉकेट वगैरह लगा के यहाँ पर पाइप को जोड़ देंगे और हमारा पानी बंद हो जाएगा। तो अभी हमारा तोड़ने का काम चालू है, यहाँ ऊपर ज़रा तोड़ देंगे तो इससे ये होगा कि जो यहाँ पे ब्लेड से काटने में पाइप को काटने में आसानी रहेगी। इसे थोड़ा ऊपर से जगह बना के तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, पाइप हमारी पूरी साफ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फटा हुआ एरिया है वहाँ को ब्लेड से अब काटेंगे। काटने में थोड़ा दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, पीछे का जो मसाला है या ईट है पीछे साफ कर लेंगे ताकि ब्लेड हमारा आराम से चल सके। फिर धीरे धीरे पाइप को काट के अलग कर लें। काटने के बाद जो कटा हुआ हिस्सा है दोनों तरफ से काट के निकाल लें। पाइप हमारे में ज्वाइंट है, धीरे थोड़ा काटने में दिक्कत हो रही है। अभी हमारी पाइप हो चुकी है, कट हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, पाइप को निकालने के बाद दोनों तरफ से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी पाइप दोनों तरफ से कट गई है, जो हमारा जो लीकेज वाला हिस्सा था अलग हो चुका है। अब एक हिस्से में इसको सुलेशन लगा के, नहीं पहले बढ़िया साफ कर देंगे, सुलेशन लगा के इसको सॉकेट लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपना जो हमारी जो बची हुई पाइप का हिस्सा है तो उसको नाप लेंगे कितना हमारा मतलब सॉकेट के अंदर पाइप घुसेगा। जो वेस्टेड एरिया है उसको हम काट के अलग कर देंगे ताकि हमारे जो सॉकेट के अंदर पाइप है वो आसानी से घुस सके, नहीं तो अगर बड़ा रहेगा तो फिर घुसाने में दिक्कत होगी। इसके लिए हमें ज़्यादा तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। ये आपका एक फीट के अंदर तोड़ाई हुई है, एक फीट के अंदर ये आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी तो प्लास्टर वगैरह चल जाएगा, लेकिन अगर टायर लग जाता है तो बड़ा दिक्कत होती है कि ज़्यादा तोड़ना पड़ जाता है, इसलिए कम से कम एरिया तोड़ना पड़े। ठीक है, देख सकते हैं हमारी पाइप कट क्लीन हो चुकी है पूरी। पाइप पूरा साफ़ कर दिए हम, इस पर लगाएंगे सुलेशन। सुलेशन पाइप में दोनों तरफ अच्छे से लगा ले, सॉकेट में पाइप में। देख सकते हैं दोस्तों, सुलेशन लग चुका है। अब पाइप में सुलेशन लगाएंगे, सुलेशन पर अच्छी तरह से लगाएं ताकि पाइप अंदर घुस जाए सॉकेट के अंदर, तो मतलब लीकेज करने का चांस ना रहे, नहीं तो अभी तो दिक्कत नहीं होगी। ये हम पाइप लगा दिए सॉकेट में, इसे अब दबा के घुसाएंगे और आसानी से घुस गया। ठीक है, नहीं थोड़ा हैमर से मार के दबा देंगे, लेकिन नहीं घुसने पर दिक्कत हो जाएगी, हैमर से मारेंगे अभी तक घुस जाएगा, घुस गया पाइप अंदर। पाइप चिपक चुकी है, इसको थोड़ा अगर मन में अगर शंका है कि सुलेशन कम लगा है तो सुलेशन आप ऊपर से भी लगा सकते हैं ताकि लीकेज न करे, बाद में दिक्कत न करें। यही दोस्तों, वीडियो में देख सकते हैं कितनी आसानी से मतलब लीकेज बंद हो चुका है, कम से कम समय में हुआ है। अगर आपको भी ऐसी कभी दिक्कत हो तो आराम से लीकेज बंद कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी को चालू करके चेक भी कर लेंगे, कहीं अगर लीकेज है तो मतलब पता चल जाए, बाद में टायर लगने के बाद दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे वीडियो के लिए आप